आज हूँ मैं नॉर्थ कैरोलिना में और आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो घर जो कि मैंने लिया था आज से 2 साल पहले। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, मैंने दिखाया था कि इसमें कंस्ट्रक्शन का जो है काम चल रहा है, तो अभी भी फिलहाल काम चल रहा है। क्यों चल रहा है वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। ये है भाई एरिया जहाँ पे आज से मैंने 2 साल पहले घर लिया था। तो ये जो ज़मीन देख रहे हो ना, ये मेरे एक फ्रेंड हैं उनकी ज़मीन है, वो लेडी वहाँ पे रहती हैं, अभी वो शायद आने वाली हैं अपने गाय को खाना खिलाने के लिए। तो भाई ये यहाँ पर है मेरी जो नेबर, इनके पास ये है लॉन मोवर, मेरे पास भी अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये खाना लेके आई हैं अपने काऊ के लिए, वेलकम। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इनका नाम है डेबी, और ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, वहाँ से लेके और पूरा पीछे वो वहाँ तक बिल्कुल एंड तक सब इन्हीं की प्रॉपर्टी है। फॉर काओ पीनट है, हाँ ओके। You know, when they're harvesting all the peanuts in the field, mm-hmm. and they take all the goodies, mm-hmm. this is what's left. Oh, it's still peanut here. Yeah. It's but, edible right now or no? Oh, it's well, they're not. Raw. Okay. I mean, you know, but some people eat them raw. Yeah. Some people boil them too, right? Oh, I love them boiled. Yeah. Yeah, they are empty, aren't they? The little holes. I don't know. Yeah, mostly they are empty. Oh yeah, this one have little bit. Little peanut. Yeah. Probably tastes like rubber. Mm-hmm. But it's got like little bit taste to it. I like that. Yeah, these are the raw. So mm-hmm. they get what the farmers after they take their crop. Mm-hmm. The bush that remains. Mm-hmm. They chop it up and here we go. Okay. तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, जो मूंगफलियां उगती है ना, तो मूंगफलियां उसमें तोड़ने के बाद तो ये बच जाता है, तो ये जो काऊ को बहुत ज्यादा पसंद है। अभी भी इसमें बहुत सारी मूंगफली हैं, मैंने खा के देखी, थोड़ी कच्ची है, जैसे ये रही छोटी छोटी बची हुई है, ये देखो। और ये गाय का बहुत ही जो है फेवरेट फूड है भैया। सो हाउ ओल्ड योर काउस आर लाइक, यू डोंट नो व्हेन यू बॉट देम? Cuz he didn't know when he brought them over. Ah, okay. I would guess maybe 10 months. 10 months? Give or take. Mm-hmm. So they are babies right now. Yeah. Okay. Yeah, they've got a lot more growing to do. They'll grow a little taller and mm-hmm. much wider. Oh, okay. Whatever the style is for the day. The trend. और ये जो वायर देख रहे हो ना, एक वायर जा रही है जिसपे व्हाइट व्हाइट बांधा हुआ है, इसके अंदर करंट जा रहा है। So you feed them every single day or? Oh yes. Oh, okay. It's lots of work then. No, not really. I enjoy it, so it's not work. Okay. ये जो मेरी फ्रेंड है ना डेबी, ज़्यादातर यहाँ पे ज़मीन इन्हीं की है, कम से कम 80 एकड़ से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली हुई है। और इनको जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार है कि इन्होंने एक यहाँ पे एसोसिएशन ज्वाइन की हुई है, जो कि वो एनिमल्स की हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि लोग है ना, उनके डॉग्स वगैरह बीमार हो जाते हैं ना, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हें कहीं पर भी सड़क पर छोड़ देते हैं। तो इनकी जो एसोसिएशन वाले हैं ना, वो उन डॉग्स को लेके आते हैं अपने वहाँ पे, रखते हैं और उनके लिए एक नया घर ढूंढते हैं। तो डेबी ने बताया पहले इनके पास एक भी डॉग नहीं था, धीरे कर करके इनके पास अब 5 डॉग हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए घर नहीं ढूंढ पाई। तो डेबी ने बोला कोई बात नहीं, मैं इन सबको पालूंगी। ऐसे इनके पास बहुत सारी कैट हैं। तो चलो भाई टाइम आ गया है आप लोगों को घर दिखाने का। तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ना, ये वाला जो घर है, ये है भाई अपना घर यहाँ पर, और उसके साथ में वहाँ तक सब ज़मीन अपनी है। अभी मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ, पर ये जो आप लोग घर देख रहे हो, ये है डेबी का घर। और ये जो फिंस लगी हुई है ना, तो डेबी ने लगाई हुई है कि उसके डॉग्स वगैरह बाहर ना आ पाए। तो ये जो इतनी प्रॉपर्टी है ना, ये डेबी की है। और ये यहाँ से जो एक कच्चा सा रोड जा रहा है ना, ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है भैया अपने घर की तरफ। और ये जो सारी ज़मीन वगैरह उधर घर के साथ में है, तो अभी आप लोग को मैं चल के दिखाता हूँ। और बाकी ये जो अभी आप लोग को दिखा रहा था ना, सारी प्रॉपर्टी वो डेबी की है। तो यहाँ पे जो मेरे जो नेबर्स है ना, एक तो डेबी हो गई नेबर, और एक ये है नेबर मेरे यहाँ पर, और एक वहाँ पर है नेबर, उसके सिवाय भैया यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी आप लोग को जानते हो ली डार्लिन को, वो रहते उधर पीछे की तरफ, और उन्हीं की वजह से मैंने यहाँ पे घर लिया था। उन्होंने बोला था उनका कोई फ्रेंड है घर बेच रहा है 2 एकड़ के साथ। ये अभी रोड बनाया हुआ है कच्चा, ये यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने रोड दिया हुआ है जो ये पक्के वाला है। उसके बाद ये जो रोड है ना, ये खुद बनाना पड़ा,
कि वो वहाँ तक जाने के लिए, नहीं तो इस तरीके की घास और मिट्टी होती थी। तो अभी इसको पक्का करने की सोच रहे हैं, और यही जो रोड है ना पक्का करने के लिए एक बंदे को बुलाया था कि इस तरीके से पूरा पक्का कर दो अंदर वहाँ तक। तो भैया उसने $18,000 मांगे हैं इसको पक्का करने। $18,000 इंडिया के लगा लो कि कितना हो जाता है। और इस वीडियो के बाद है ना एक वीडियो आएगी, और उसमें मैं डिस्क्लोज करूंगा कि मैंने जो नॉर्थ कैरोलिना का जो नए वाला घर है ना वो कैसे लिया है। जो आप लोग ये लंबर देख रहे हो ना, जितने भी कटे हुए पेड़ हैं, तो ये पेड़ है ना सब काटे थे जब मैंने घर लिया था ना, तो घर के बहुत ही ज़्यादा पास में ना बड़े बड़े पेड़ थे, जो कि जब भी तूफान वगैरह आता था तो ऐसा होता था कि कहीं घर के ऊपर गिर ना जाए। तो ये एक साल पहले ना सब लकड़ काटे थे, जब से घर का काम कंस्ट्रक्शन का चालू हुआ था ना। तो ये जो मशीन है ना लकड़ काटने के बाद, इन्हीं में से ही है ना, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में सारे लकड़ियों के घर बनते हैं तो लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो इसी में से ही बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जो मेरे घर में यूज़ हुई हैं। तो देखो इस तरीके से ये जो बड़ा पेड़ का हिस्सा है ना, इसको इसके ऊपर लेके आया जाता है, और ये मशीन है ना फिर काटती है। तो देख लो इस तरीके से ना बोर्ड बन जाते हैं। तो ये जो मशीन है ये मिस्टर ली की है, तो उन्होंने यहाँ रखी हुई है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने मेरे को सिखा दिया कि किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके ऊपर, बहुत इजी है। तो ये जो मशीन देख रहे हो ना, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि मेरे को अमेरिका में ना पूरे घर बनाने आते हैं, उसका रीज़न ये है कि मिस्टर ली को है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। वो जब भी किसी तरीके का काम करते हैं तो मेरे को कॉल करते हैं, शंटी भाई आ जा, आज मैं ये बना रहा हूँ, ये अगर सीखना है। तो मैं काफ़ी वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ, बट ये वाला शायद मैंने नहीं दिखाया था, तो इन फ्यूचर दिखाते हैं कि हम लोग इस पर कैसे हम लकड़ी काटते हैं। हाँ, अब मैं आप लोगों को अपनी मुर्गियों से मिलाता हूँ। ये देखो मेयर, ये देखो ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, मैं जैसे ही बोलता हूँ तो मेरे पास आ जाती हैं। यू बेबी हाउ यू। तो यहाँ पे हैं भैया मुर्गियाँ, और ये जो मुर्गियाँ हैं ना मेरे दोस्तों ने मेरे को एज ए गिफ्ट दी थी। उन्होंने मेरे को टोटल ना 18 मुर्गियाँ दी थी यहाँ पे गिफ्ट में, और मैंने उनको बोला भैया मेरे को मुर्गियाँ नहीं चाहिए, मैं मुर्गियों का क्या करूँगा, बट उन्होंने कहा कि नहीं हमने अब तेरे को गिफ्ट दे दिए हैं तो तेरे को ही पालनी पड़ेगी। फिर मैंने उनको बोला भाई मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जब भी तू ट्रैवल करेगा ना तो हम लोग संभाल लेंगे, जब तू आएगा तो तू संभाल लियो। पहले ना मेरे दोस्तों ने मुझे 18 मुर्गियाँ दी थी, बट उसमें से ना अभी बची हैं सिर्फ 10। जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना तो एक दिन मेरे दोस्तों का फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि यार मुर्गियों के ऊपर है ना कायोटीज ने अटैक कर दिया, उनके पास भी काफ़ी सारी थी, तो बहुत सारी मुर्गियाँ हैं ना भैया कायोटी खा गए। तो ये पूरा जंगल टाइप का एरिया है, यहाँ पर भालू भी है, डियर्स भी हैं, कायोटीज़ भी हैं, और बॉब कैट भी है इस एरिया के अंदर। तो इस वजह से है ना ये मुर्गियाँ बेचारी ऐसे खुले में घूमती रहती है, तो कभी भी अटैक हो जाता है इनके ऊपर। तो ये जो पीछे देख रहे हो ना डैबी ने इस तरीके से फिंस जो लगाई हुई है, मैं सोचा हूँ इसी तरीके से फिंस लगा दूँ चारों तरफ। मिस्टर डैरिक आने वाले हैं मेरा रिटर्न करने के लिए इंटरनेट की डिवाइस। तो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं क्या इंटरनेट यूज़ करता हूँ, तो मिस्टर डैरिक आएंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो जो अपनी मुर्गी है ना, मैंने इनका घर भी बनाया हुआ है, तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ इनका। और यहाँ पे खड़ी हुई है भैया अपनी प्रियस। किस किस को याद है पहले मैं इसमें ट्रैवल करता था। अभी 2 साल से मैंने इसको चलाया नहीं है, इसका इंजन वगैरह सब सही है, इसकी हाइब्रिड बैटरी ख़राब हो गई थी, जो कि मुझे टाइम ही नहीं लगा कि इसका ठीक कराने का, बट मैं सोच रहा हूँ कि विद इन 1 वीक है ना इसकी बैटरी वगैरह मैं चेंज करा दूँ। उसके लिए मुझे फ्लोरिडा जाना पड़ेगा, वहाँ से मैंने एक बैटरी ली थी जिसकी 5 साल की गारंटी थी, तो वहाँ पे से मेरे को रिप्लेस कराना पड़ेगा। ये इनका ड्रामा देखो। सो हाउ वाज द डिवाइस? इट्स गुड, इट्स आई एम रिटर्निंग योर सबऑर्बिटल रोवर। यप। Nah, actually, it's actually an internet modem. Doesn't it look futuristic? Yeah, actually, it's have like 3-6 antennas, and they work so perfect. Yeah, it does, and they're adjustable too. Yeah. See, and see, I made it look like it. See, they'll go all the way up, and they'll do this. You know, if you want to fine tune, you know what I'm saying, where you're trying to receive. Yeah. You know, it's pretty cool. And I enjoyed it. Thank you for letting me use it. So, where did you use that? All over. Really? Yeah, in the city, in the country, you know, in the middle of nowhere, that kind of thing. Because you knew I was going on a trip, and it's hard to get internet sometimes when you're, especially when you go in some areas in the mountains and like really no population areas, you know. And it worked great. तो भैया ये है डिवाइस जो कि मैं यूज़ करता हूँ ट्रैवल करते समय। यू नो दिस आई वाज यूजिंग व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन ऑल ओवर 48 स्टेट्स इन अमेरिका एंड ऑल ओवर इन कनाडा। सो दिस गिव मी इंटरनेट फॉर यू नो वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग। दिखाता हूँ भाई, बहुत जबरदस्त है। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यूज्ड इट अ लॉट व्हाइल आई वाज गोइंग। थैंक्स। कनेक्टन, CONNECTEN, राइट? इंटरनेट, यू गेट इट एवरीवेयर, आई गॉट इट एवरीवेयर। You plug it in, the lights come on. They don't really do anything, but just show you it's finding the best signal, no matter who the carrier is. ये जो लाइट है ना भाई, ये 5G और 4G ये देख रहे हो, तो हमेशा 5G ही कनेक्ट करता है, मैंने देखा है। You can do wireless, you can plug in a USB, you can do a regular hardwire, you know, for regular wire to your computer.
simple. Yeah, but you know what? Its Wi-Fi works so good, I never have to connect anything. No, I haven't done. It's an option, right? Yeah. It's an option. Okay? It'll connect to the best carrier. It doesn't matter who it is. Mm-hmm. Okay? And you can adjust these to help get a little better signal. I never really needed to, you know. And it is small enough, you can pretty much hide it behind yeah. something if you want to. Now, I wanted to know how much you were paying for it, so I went online and looked at their plans. There's a couple of plans that are unlimited, but the only difference between the unlimited plans, one is a priority, means you'll get on no matter what, and the other makes you go a little bit slower, but it's still fast. Okay, so I really liked the heck out of it. तो भैया मिस्टर डैरी को बहुत ज्यादा पसंद आया ये. मैंने उनको यूज करने के लिए दिया था अभी पिछले 15 दिन से, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा था. तो अब मेरा ट्रैवल दोबारा चालू होने वाला है, तो मेरे को इसकी जरूरत थी, तो मैंने मिस्टर डैरी से वापस मंगा लिया. इफ यू वांट योर इंटरनेट टू टेक ऑफ, गेट कनेक्ट 10. मिस्टर डैरी को डिवाइस पसंद आ गया, भैया उड़ाने वाली. दैट्स प्रीटी कूल मिस्टर डैरी, थैंस फॉर रिटर्निंग माय डिवाइस. या आई लाइक इट, थैंक यू लॉट सनी. The only reason why I stopped by right quick, I got something else I got to go do. Okay. Still working on your house, I see. Yeah, it's going to take some time. It's looking good. Taking some time, but it'll look even better. Okay, bye. Take care. ये अगर ये डिवाइस खरीदनी है ना, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग क्लिक करके इस डिवाइस को खरीद सकते हो. ये जो आप लोग सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है अपनी मुर्गियों का घर. ये मैंने अभी 3 वीक्स पहले बनाया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसमें थोड़ा बहुत और काम बचा है, सब पेंट वगैरह सब कुछ करूंगा इसको बाद में, बड़ा क्यूट बना दूंगा मैं. और इसको ना मैंने थोड़ा सा मतलब जमीन से ना उठा के बनाया था 2 फुट ऊपर, कि ईजिली है ना जानवर वगैरह पहुँच ना पाए. तो जब से ये बनाया है तो काफ़ी मेरे को सेफ लगता है कि भैया अटैक वगैरह नहीं होएगा इनके ऊपर. और इसमें मैंने 2 खिड़कियां लगाई हुई हैं, 2 डोर हैं. एक तो बड़ा डोर फ्रंट में है कि अंडे वगैरह इसी के अंदर ही देती हैं ये. तो अभी देखते हैं कोई मुर्गी बैठी हुई है नहीं बैठी हुई. तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है ये. मुर्गियाँ यहाँ पर बैठ के ऊपर सोती हैं भैया. ये मैंने इनका अंदर पानी रखा हुआ है, पानी बाहर भी रखा हुआ है. यहाँ पर देखो 2 अंडे यहाँ पर रखे हुए हैं. ये दोनों है भैया ब्राउन अंडे, और एक ब्राउन लग रहा है आप लोगों को. और लो भैया अभी अपनी मुर्गी यहाँ बैठी हुई है, ये देखो देख रही है, ये अंडा ही दे रही है मेरे ख्याल से. अभी जब अंडा दे देगी ना तो देखते हैं. ये बेबी, हाउ आर यू डूइंग. ओ भैया ये रे अंडे, और भी मुर्गियाँ यहाँ पे लगता है अंडे देके गई हैं. ये रहा वाइट वाला, जो वाइट वाली आपने मुर्गी दे दी थी ना, वो वाइट वाला अंडा देती है. कहाँ ले गई ये अंडे. ये रे भैया इसके नीचे काफ़ी सारे अंडे हैं, चलो बैठी रहने दो उसको वहाँ पे. बट ये देख लो इस तरीके से बहुत सारे अंडे मिल जाते हैं, बाद में लेके जाऊँगा इनको. तो ये था यहाँ से, पीछे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. यहाँ पे मैंने बाहर है ना इनका खाना रखा हुआ है, इसके अंदर है पानी. तो मैं इस तरीके से बड़े है ना कंटेनर ले आया था, इनके अंदर पानी एक बार भर दो तो कम से कम एक एक महीना चल जाता है. और अभी बारिश हुई है तो ऊपर बारिश का पानी आप लोगों को दिख रहा होगा. और इसके अंदर है खाना, बट ये रहा देखो पूरा भरा हुआ है. तो ये अभी खाना भर दिया है ना, तो कम से कम ये 1-1.5 महीने आराम से चल जाएगा. और ये खाना जो मैंने भरा हुआ है ना, ये $40 का आया है. एक्चुअली अंडे जो है ना उससे भी सस्ते मेरे को यहाँ पे मिल जाते, बट ऐसे फ्री रेंज वाले नहीं मिलते. ये पीछे से डोर है, जैसे सुबह सुबह मैं आता हूँ ना तो इस डोर को मैं खोल देता हूँ तो मुर्गियाँ बाहर आ जाती हैं, फिर रात को मैं इसको बंद कर देता हूँ. और ये इसलिए बनाया है कि भैया जानवर वगैरह ना जा पाए अंदर. ये इनका रैंप बनाया हुआ है कि आराम से ऊपर ये चढ़ जाएँ. अभी मैं सोचा हूँ यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक एक गेट होता है कि मैं अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर पाऊँगा, कि अगर मैं अपने घर में अंदर बैठा हुआ हूँ तो अगर मैं वहाँ पर बटन दबाऊँगा तो डोर अपने आप खुल जाएगा. तो भाई आजकल मैं फ्रेश अंडे खाता हूँ, जैसे ही मुर्गियाँ अंडे देती हैं फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ. काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना था, लोग बोलते हैं कि भैया जो मुर्गी है ना उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं अंडे देने के लिए, बट ऐसा नहीं है यार. ये मुर्गी है ना डेली खुद ही एक अंडा दे देती है, खुद ये यहीं पर ही आके खुद ही बैठेगी अंडा दे के चली जाएगी. अभी थोड़ी देर में आके दिखाऊंगा, जब वो जाएगी तो वहाँ पर एक और अंडा आप लोगों को दिखेगा. और इनका जो अंडे का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. यहाँ पर है भैया अपना छोटा सा ट्रैक्टर, ये है लॉन मोवर, घास काटने के काम आता है. ये मैंने ओरलैंडो में लिया था आज से कुछ 1.5 साल पहले, तो अब मेरे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है घास काटने की तो मैं यहाँ पे ले आया. लो भैया मुर्गियाँ आ गई हैं, हेलो हेलो करने के लिए आई हैं आप लोगों को. हेलो हाउ आर यू. तो ये जो भैया लॉन मोवर है ना, इसके पीछे मैंने एक ट्रॉली बांध दी है. इधर उधर कभी कभार सामान वगैरह लेके जाना होता है ना, तो इस पर मैं ले जाता हूँ. चलो भैया मैं इसको आप लोगों को चला के दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है चलाना. तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से बस की को ऑन करोगे, ऑन हो गया यहाँ पे. ये इसमें ना गियर है भैया फ्रंट और बैक, तो अभी मैंने फ्रंट पे कर दिया आगे की तरफ चलाने के लिए. ये रेस देने का है कि कितनी तेज चलाना है, तो चालू करते हैं.
और ये जो नीचे लगा हुआ है ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इससे कटती है घास। तो इसका ना यहाँ पे बनाया हुआ है कि इसको कितनी नीचे करना है और ऊपर करना है। तो ये देखो अभी मैंने नीचे कर दिया और अब इसको थोड़ा सा तेज कर देता हूँ और इसको जैसे ही आगे करूँगा ना तो घास कटने लग जाएगी। ये देखो अब ये सामने देखो कि यहाँ पे पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं ना, और जहाँ से मैं जाऊँगा वहाँ पीछे एक लाइन बन जाएगी। तो ये देख लो जहाँ से मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ ना वहाँ से घास काट रहा है और जो भी मतलब पत्तियाँ वगैरह आ रही थी ना पेड़ की तो उनको सबको साइड में फेंक दिया। तो इस तरीके से एक लाइन बनाता हुआ चल रहा है। तो काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में। अपना बैठो यहाँ पे और यहाँ पे ड्रिंक का बनाया हुआ है आपको, कोई भी भैया पानी की बोतल हो गई है, कोई भी कोको कोला वगैरह पीनी है तो यहाँ पर अपना साइड में रख के और अपना इसको चलाते रहो। लो भैया मुर्गियाँ आ गई हैं आप लोगों को दोबारा हेलो बोलने के लिए। मेरे को लगता है मुर्गियों को आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए हो। अभी तक है ना मैंने इन मुर्गियों का नाम नहीं रखा है, तो आप लोग कमेंट में करके भैया इनका नाम रख दो, 10 नाम बता दो इकट्ठे के क्या क्या रखूँ, फिर मैं चूज़ कर लूँगा कौन सी मुर्गी का क्या नाम रखना है। अभी तक मैंने किसी का नहीं रखा। ये देखो भैया सब आ गई हैं आप लोगों से मिलने के लिए। यहाँ पर भैया मेरे रखे हुए हैं ट्रैश कैन जिनके अंदर कूड़ा होता है, और एक्चुअली मुझे ये रोड पर रखना है क्योंकि कल है ना जो कूड़े वाले आने वाले हैं हर सप्ताह में एक बार आते हैं यहाँ पे। यहाँ अपनी खड़ी भी है बसंती, और बसंती के साथ में भैया अपनी वीरू। मुझे पता है आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया बाइक कहाँ चली गई, तो भैया पिछले 2-3 महीने से ना मैं बाइक यहाँ छोड़ गया था। तो ये रही अपनी मोटरसाइकिल, ये देख लो भैया सही सलामत खड़ी थी। मैंने इसके ऊपर कवर डाल गया था तो बारिश वगैरह होती थी तो भीगी नहीं है। इसकी है ना अलग से मेरे को ऐसे ही कोई शॉप बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं प्रॉपर खड़ा रखूं। मैं एक्चुअली सोच रहा हूं इस मोटरसाइकिल को है ना बेचने को। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसको ख़रीदने के लिए तो भैया मेरे को ईमेल करना, जो अमेरिका में रहते हैं कैनेडा में रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं ना इस साल सोच रहा हूँ कि ना दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने को, तो पूरे साल में शायद चला नहीं पाऊँगा। तो मैं सोचा हूँ इसको सेल कर देता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई अमेरिका या कनाडा में रहता है और मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता है तो भैया मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल है ना मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ये भैया मैं आपके वहाँ पे आके डिलीवर भी कर सकता हूँ अगर मैं उधर से जा रहा हूँ तो। ओहो भाई अपनी सारी मुर्गी यहाँ पे आ गई है, जैसे ही बाइक का कवर उतारा ना तो भाई लगता है मुर्गियों को भी बाइक पसंद आ गई है। तो भाई अभी मेरे को जाना है, ये जो कूड़ादान है ना ये रोड पे रखना है, एक कूड़ादान है ना भर चुका है। ये है भाई लोगों अपना एक छोटा सा घर, इसके अंदर 2 बेडरूम है 2 बाथरूम है, छोटा सा इसके अंदर किचन है और एक लिविंग रूम है। और इसको मेरे को लिए हुए 2 साल हो गए हैं, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। पहले बहुत ही पुराना सा कोई घर था, वो सारी दीवारें वगैरह तोड़ के विंडो वगैरह निकाल के सब कुछ नया लगवा दिया, रूफ नई है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट होगा तो बिल्कुल डिफरेंट लुक दिखेगा, अभी सारा वुड वगैरह दिख रहा है जो 1 साल पहले जो लगा था ना जब से ऐसे ही है। जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप लोगों को मैं अंदर से भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। तो ये जो एरिया है ना मैं यहाँ पे ना तभी आया करूँगा जब साल में छुट्टियाँ वगैरह होंगी ना, ओके भैया बिल्कुल दुनियादारी से बिल्कुल अलग चले जाना है दूसरी दुनिया में, तब मैं यहाँ पे आऊँगा। ये जो पूरी जगह है ना पूरी जंगल टाइप के एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे है ना गवर्नमेंट का कोई पानी वगैरह भी नहीं आता, सिर्फ बिजली दी हुई है जो ये पीछे मेरे खंभा देख रहे हो ना, और उसके सिवाय कोई पानी की सप्लाई नहीं है। तो आप लोगों को खुद ही है ना अपना भी है यहाँ पे वेल लगाना पड़ता है, जैसे जेड पंप वगैरह हम लोग लगाते हैं ना इंडिया में, हैंड पंप जेड पंप, तो वो सब लगाना पड़ता है। यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है क्योंकि सब समुंदर वाला एरिया है। तो आप लोगों को मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा आसपास का एरिया। तो यहाँ से मैं मुश्किल से अगर 5 मिनट ड्राइव करता हूँ ना तो आप लोगों को पूरा समुंदर वाला एरिया दिख जाता है। तो इसलिए जो पानी का लेवल बहुत हाई है, अगर आप लोग 5 से 6 फुट आप यहाँ पे खड्डा खोदोगे ना तो आप लोगों को पानी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी मोटर लगाई हुई है पानी का वेल करके, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि भैया वो बोलेंगे तुम जंगल टाइप के एरिया में घर ले लोगे वहाँ पे सब चीज़ें थोड़ी ना प्रोवाइड कराएंगे, बिजली प्रोवाइड करा दी वही बहुत है। तो इस वजह से जो सीवरेज का है ना, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोग है ना अपना सेप्टिक टैंक लगाते हैं। तो ये क्या ना बहुत बड़ी ज़मीन में ना खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर एक सेप्टिक टैंक डालते हैं, तो घर का जितना भी गंदा पानी होता है ना सारा उसके अंदर जाता है सेप्टिक टैंक में और क्लीन होके और फिर फील्ड के अंदर चला जाता है। तो वो पहले लोग आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखते हैं कितनी बड़ी ज़मीन है कहाँ पे वो लगाना है और पानी का जो है ना जो आपके घर में पानी आएगा वो उससे कितनी फुट दूर होना चाहिए, गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है। तो आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है बट पैसे सब आप लोग को देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अपना सेप्टिक टैंक लगाया था ना वो शायद मेरे को पड़ा था $14,000 का, और जो पानी का किया था वो भैया शायद $10,000 से $12,000 के बीच में था, मेरे को याद नहीं है। बट उसकी भी मैंने एक अलग बिल्डिंग बनाई हुई है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो आप लोग सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना ये भी पिछले साल
मैंने बनवाई थी, ये इसके अंदर ना पानी की मोटर है और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बट स्पेशली पानी की मोटर के लिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती है। और लास्ट टाइम क्या हुआ, जब स्नोफॉल हुई ना यहाँ पे, तो भैया जो मेरी पानी की मोटर थी ना उसका जो टैंक है वो फट गया, जो उसके अंदर पानी जमा और टैंक ही फाड़ दिया उसने, तो काफ़ी नुकसान हो गया था। तो मैंने बोला कि भैया एक अलग से उसकी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, अगर स्नोफॉल वगैरह होए तो मोटर है वो सेफ़ रहे। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, अभी सर्दियों में सब पत्ते झड़ गए हैं, तो जैसे ही गर्मी आएंगी ना ये बिल्कुल हरे भरे पेड़ होंगे। तो ये जो दो पेड़ देख रहे हो ना ये हैं बबू गोशे के, तो ये मैंने 2 साल पहले ही लगा दिए थे, अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। मैं जब लेके आया था ना इनको, तो मैं इतने बड़े लेके आया था, तो 2 साल में इतनी और हाइट बढ़ गई 2 फुट के करीब। मेरे को लगता है हर साल में 1 फुट हाइट बढ़ रही है इनकी। और ये यहाँ पे ना मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई थी, जो कि अमित आया था ना लास्ट टाइम, तो अमित ने ना इनके ऊपर लॉन मोवर चला के भैया सब काट दिया। यहाँ पे ब्लूबेरी थी, ब्लैकबेरी थी, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी काफ़ी टाइम बाद उगेगी। यहाँ एक पेड़ दिख रहा है ये रहा भैया, ये देखो ये था एप्पल का पेड़। तो इसके सबके अभी पत्ते, जैसे मैं बोल रहा हूँ सर्दियाँ आती है तो सब पत्ते वगैरह सब झड़ जाते हैं। फिर अंगूर की बेल लगी हुई है यहाँ से वहाँ तक में, तो ये सब आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जब गर्मियाँ आएंगी ना तब ये सब हरा भरा दिखेगा। यहाँ पे फिर भैया अपनी मुर्गी आ गई है हेलो बोलने के लिए। अब टाइम आ गया भैया जो कूड़ेदान को है ना रोड पे ले जाने का, तो इस तरीके से घसीटते हुए लेके जाना पड़ता है। क्या कूड़ा रख दिया, अब सुबह सुबह लेके चला जाएगा बंदा, फिर खाली होएगा तो अपना घर वापस ले जाऊंगा। यहाँ पे है मेल बॉक्स, जब भी आपकी कोई भी मेल आती है ना तो वो इसमें डाल के चला जाता है, जैसे लेटर वगैरह। तो देखते हैं कि भैया अपनी कोई आई हुई है नहीं आई हुई। ये लो भाई मेरी मेल आई हुई है, ये उठा लेता हूँ। तो इस तरीके से ना यहाँ पे जो मेल पर्सन आता है ना वो इसके अंदर डाल जाता है, आपके घर के उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी मैं सामान मंगाता हूँ ना तो इसके अंदर आ जाता है। चलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, वो मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा, चली गई भैया। ये देखो एक अंडा दे के चली गई यहाँ पर। तो अभी देखो कितने अंडे हो गए हैं, यहाँ पे हो गए 3। सफ़ेद वाली मुर्गी देती है सिर्फ सफ़ेद अंडा, बाकी जितनी भी मुर्गी है ना सब ब्राउन और ये थोड़ा सा और डार्क ब्राउन देती हैं। वीडियो के अंदर थोड़ा सा रेड लग रहा होगा। तो यहाँ पे भैया हमें मिल गए हैं आज 5 अंडे, और ये साल की मेरी सबसे पहली वीडियो है। वैसे तो मैंने आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर अपने इंस्टाग्राम पे कर दिया था, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो शंटी ड्रीम है, वहाँ पे आप फॉलो कर लो, लाइव अपडेट में डालता रहता हूँ। बट जो लोग यहाँ देख रहे हैं तो भैया हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल का जो मेरा गोल है, मैंने पहले भी शेयर किया था कि भैया मैं बहुत सारी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सोचा हूँ अपनी मोटरसाइकिल को भी सेल करने को। अगर अमेरिका कनाडा में कोई है और मेरी मोटरसाइकिल लेना चाहता है तो भैया कॉन्टैक्ट करना, अगर मेरा मन किया तो भैया मैं सेल कर दूंगा। अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ सेल करने को, बट मैंने पूरा मतलब माइंड बनाया नहीं है अभी, है ना। इस वीक का जो मेरा प्लान है ना, मैं जाने वाला हूँ न्यूयॉर्क की तरफ में, न्यूयॉर्क वॉशिंगटन, और जो अभी अमेरिका में जो सबसे बड़ा मंदिर है ना वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं 2 बार पहले भी दिखा चुका हूँ, बट उस टाइम है ना कंप्लीट नहीं हुआ था, बट अभी है ना टोटली पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो दिखाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।